नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का डायग्राम आपको नज़र आ रहा है और ये समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, यह एक मैनुअल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, जबकि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग फ्लेक्सिबल प्रोसेस है और एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो आर्क होती है वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में, वो विजिबल होती है, जबकि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो आर्क है वह विजिबल नहीं होती। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हम कोटेड टाइप जो इलेक्ट्रोड हैं उनका प्रयोग करते हैं और कई बार बेयर इलेक्ट्रोड का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में सिर्फ बेयर इलेक्ट्रोड का ही प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ओपन एनवायरनमेंट में, इसमें आर्क को मेंटेन किया जाता है, जबकि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में ग्रेनुलर फ्लक्स के नीचे आर्क को मेंटेन किया जाता है। अगर आप देखें फ्लक्स नीड टू ज्वाइन, तो फ्लक्स फीड फ्रॉम होपर, कि यहाँ से जो ग्रेनुलर फ्लक्स है उसको डाला जाता है और उसके अंदर क्या होता है कि जो आर्क है वो जनरेट होती है, वो विजिबल नहीं होती। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में कोटेड इलेक्ट्रोड की मदद से फ्लक्स को सप्लाई किया जाता है। जो फ्लक्स होता है वो जो इलेक्ट्रोड रोड होती है उस पर उसकी कोटिंग की जाती है, जबकि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग फ्लक्स को कोर्स पाउडर की फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है और फ्लक्स ज्वाइंट के ऊपर स्प्रेड किया जाता है, जो आपको ये पिंक कलर नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इसमें डिपोजिशन रेट कम और साथ में पेनिट्रेशन भी कम होता है, जबकि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में डिपोजिशन रेट ज़्यादा और पेनिट्रेशन डीप होता है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग थिक प्लेट को वेल्ड करने के लिए बहुत से पासिस करने की इसमें ज़रूरत होती है, लेकिन समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में एक सिंगल रन में भी थिक वेल्डिंग की जा सकती है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में रिपीटेबिलिटी पुअर और वेल्डिंग ज्वाइंट की क्वालिटी बढ़िया नहीं होती, लेकिन समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग क्वालिटी आर्क वेल्डिंग की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। आर्क वेल्डिंग के केस में ओवरहेड वेल्डिंग करना भी संभव है, जबकि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग सिर्फ फ्लैट वेल्डिंग तक ही सीमित है। आर्क वेल्डिंग को करते समय ज्वाइंट और वर्क पीस के ऊपर वेल्ड स्पेटर बनते हैं, जबकि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के दौरान वेल्ड स्पेटर नहीं बनते। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में वेल्डिंग स्पीड कम होती है, समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग स्पीड ज़्यादा होती है। आर्क वेल्डिंग को करते समय स्मोक, फ्लैश, स्पार्क बनते हैं, जबकि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में स्मोक, फ्लैश व स्पार्क फॉर्मेशन पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग थिक व थिन सीट को वेल्ड करना इसमें पॉसिबल होता है, जबकि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में 5 mm थिकनेस से कम की प्लेट को वेल्ड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।